हेलो स्टूडेंट, कल्याणी हाई सेकेंडरी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा। आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की 10वीं यूनिट में आपको पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको नीति आयोग के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है फ्रेंड, अब जो राष्ट्रीय विकास परिषद है तो इसकी स्थापना कब की जाती है और क्यों की जाती है, इसका कार्य क्या होगा, इसकी संरचना किस प्रकार की होगी, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो जब योजना आयोग की स्थापना हमारे भारत में 15 मार्च 1950 को की गई थी, तो उस योजना आयोग में हमारे भारत के राज्य जितने भी थे उन राज्यों के मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनके उपराज्यपाल और प्रशासक, इनकी भागीदारी इस योजना आयोग में नहीं होती थी। ठीक है, तो जब भी कोई भी डिसीजन लेना होता था तो केंद्रीय स्तर पर हमारी योजना आयोग अकेले डिसीजन ले लेता था और उन निर्णयों को लागू कर दिया जाता था, तो इसमें राज्यों की भागीदारी नहीं हो पा रही थी। इस कारण से हमारी भारत सरकार ने सोचा कि एक ऐसे विकास परिषद की स्थापना की जाए या एक ऐसे निकाय की स्थापना की जाए जिसमें राज्यों की भागीदारी भी हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने इस राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की। और कब इसकी स्थापना की थी, तो आपको याद रखना होगा कि इस राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हमारी केंद्र सरकार ने 6 अगस्त 1952 को की थी। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है। और इसकी स्थापना कैसे की गई, तो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अब मंत्रिमंडल का मतलब क्या है, तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं तो कैबिनेट मंत्रियों का समूह कहलाता है मंत्रिमंडल, या उन्हीं को कैबिनेट मंत्री कहते हैं। इसके बाद में ये कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं, ये अपने विभाग से संबंधित निर्णय खुद लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई, इसलिए जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है तो राष्ट्रीय विकास परिषद को हम कार्यकारी निकाय के नाम से जानते हैं। आ रहा समझ में। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है तो इसकी स्थापना भी हमारे संसद के अधिनियम के द्वारा नहीं की गई है। इसके बाद में इस राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हमारे संविधान के तहत भी नहीं की गई है। आ रहा समझ में। अगर संविधान के तहत इसकी स्थापना होती तो यह संवैधानिक निकाय होता, अगर संसद के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती तो इसे हम वैधानिक निकाय कहते। और अब यहाँ पर इसकी स्थापना कैसे की गई है, तो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कार्यकारी निकाय कहेंगे। आने वाले समय में भी सरकार इसे भी खत्म कर सकती है, जैसे योजना आयोग को समाप्त किया गया था। अगर किसी संस्थान के, किसी निकाय के, किसी संगठन की स्थापना यदि संविधान के तहत की जाती है या संसद के अधिनियम के तहत की जाती है तो उसे कोई भी सरकार समाप्त नहीं कर सकती। योजना आयोग को भी समाप्त इसलिए कर दिया था क्योंकि योजना आयोग की स्थापना इस मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना भी, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भी ये मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा ही की गई है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री इसका उपाध्यक्ष होता, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। फिर इसके बाद में जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता था वह राष्ट्रीय विकास परिषद का भी उपाध्यक्ष होता था। इसके बाद में राज्यों के मुख्यमंत्री और जितने भी प्रशासक होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, इन सभी को इसमें शामिल किया गया था। इसके बाद में ये जो भी निर्णय लेती है राष्ट्रीय विकास परिषद, उसको हमारे भारत में लागू कर दिया जाता है। और इसी कारण से इसको हमारे भारत में के संथानम ने इसको सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है, जो आपको याद रखना होगा। और एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट किसने कहा था फ्रेंड, तो आपको याद रखना होगा कि के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और एग्जाम में एक बार नहीं कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि हमारे भारत में सुपर कैबिनेट किसको कहते हैं, तो ये सुपर कैबिनेट कहा जाता है किसको, ये राष्ट्रीय विकास परिषद को कहते हैं फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको इस राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना और उसके किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी संरचना किस प्रकार की है, इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कौन होगा, सचिव कौन होगा। तो देखिए, इसमें पहले इसके संरचना में इसके अध्यक्ष, तो जो अध्यक्ष होता है कौन होगा, तो इसका भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। किसका, राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो हमने देखा था कि जो योजना आयोग था तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, और यहाँ पर जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका भी अध्यक्ष कौन होगा, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होंगे।
इसके बाद फिर इसमें उपाध्यक्ष भी होगा। तो उपाध्यक्ष कौन होता था, तो पहले हम देखते थे कि उधर जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता था वह राष्ट्रीय विकास परिषद का उपाध्यक्ष होता था। अब योजना आयोग तो है नहीं, अब क्या है, तो अब उसके स्थान पर नीति आयोग है। तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होगा वही इस राष्ट्रीय विकास परिषद का उपाध्यक्ष होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है किसका सचिव कौन होगा। तो पहले जब योजना आयोग था हमारे भारत में, तो योजना आयोग का सचिव इस राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता था। और अब इधर जो नीति आयोग का जो सचिव होगा, तो नीति आयोग का जो सचिव होगा वही इस राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव रहेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इसमें सदस्य कौन कौन होंगे। तो इसमें सदस्यों की अगर बात करें तो हमारे भारत में जो नीति आयोग है, तो नीति आयोग के सभी सदस्य इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सदस्य होंगे, क्योंकि जब पहले योजना आयोग था तो योजना आयोग के जितने भी सदस्य थे वे सब राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते थे। आ रहा समझ में? तो अब क्या है, योजना आयोग के स्थान पर अब है नीति आयोग। तो नीति आयोग के जितने भी सदस्य हैं ये सभी हमारे राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सदस्य होंगे। इसके बाद फिर नीति आयोग में जो राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं वे हमारे यहाँ पर अब राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सदस्य होंगे। इसके बाद जो संघ शासित प्रदेश हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ पर उपराज्यपाल की व्यवस्था है, ठीक है। इसके बाद फिर जिन राज्यों में या जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा का प्रावधान है, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है, तो यहां के मुख्यमंत्री भी इस राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होंगे। इसके बाद फिर जिन केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक की व्यवस्था है वह यहां पर इसके सदस्य होंगे। तो इन सभी को मिलाकर राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य बनाया गया है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद में सदस्य कौन कौन होते हैं, तो नीति आयोग के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री के सदस्य, जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं ये सभी मुख्यमंत्री इसके भी सदस्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल, इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा की व्यवस्था है तो यहाँ के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होंगे। और जो दूसरे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर प्रशासक है या कहीं पर कोई आयुक्त है तो वे भी यहाँ पर इसके सदस्य होंगे, ये इसकी संरचना होती है राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना में कौन कौन होते हैं, तो ये इनकी संरचना होती है जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में आगे देखिए कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है तो इसके कुछ शक्तियाँ हैं या इसके कुछ कार्य हैं, तो इसके कार्य कौन कौन से होते हैं, तो इसमें देखिए इसका सबसे पहला कार्य है कि समय समय पर राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि हमारे भारत में जो भी योजनाएं बनाई जाएगी उन योजनाओं की जाँच करना है, उन योजनाओं की समीक्षा करना है कि वास्तव में जो योजना बनाई गई है वे सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये इसका पहला कार्य होगा या इसकी शक्ति होगी। इसके बाद फिर दूसरा क्या हो जाता है, तो योजना कार्यक्रमों के मार्ग में आने वाली जो भी बाधाएं होती हैं उनको दूर करना। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो भी योजना बनाई गई है और इन योजनाओं को जब क्रियान्वित किया जाता है, इन योजनाओं को जब लागू किया जाता है, तो योजनाओं को लागू करने में जो भी बाधाएं होती हैं, इन जो भी कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, कल्याणकारी कार्यक्रम या कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, तो इनको लागू करने में या इनको क्रियान्वित करने में जो भी बाधाएं होती है, जो भी समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं को दूर करना ये हमारे राष्ट्रीय विकास परिषद की शक्ति भी होती है या इसका कार्य भी है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि राष्ट्रीय योजना की प्रगति पर समय समय पर विचार करना। तो हमारे भारत में देश के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएँ बनाई जाए, इसके लिए हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद समय समय पर विचार करती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अंतरराज्यीय और अंतर क्षेत्रीय विकास तथा अन्य संबंधित समस्याओं पर विचार करना। तो हमारे भारत में कई बार आपने देखा होगा कि राज्यों राज्यों के बीच तकरार होती रहती है, तो उनकी समस्या क्या है, उन समस्या पर विचार करना। इसके बाद फिर हो सकता है कि हमारे भारत के किसी क्षेत्र में कोई समस्या है और उसका विकास नहीं हो पा रहा है उस क्षेत्र का, तो उस क्षेत्र का विकास कैसे हो और उस क्षेत्र में जो समस्या है उसका समाधान कैसे हो, इसके लिए भी विचार करती है हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड।
अर्थमत में। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसका कार्य कि जो प्रशासकीय सेवाएं होती हैं, तो प्रशासकीय सेवाओं की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए सुझाव देना। और जो प्रशासकीय सेवाएं मतलब क्या हो जाता है, तो हमारे भारत में जितनी भी सर्विसेज होती हैं, तो इन सर्विसेज के और कार्यों को कैसे बढ़ाया जाए और ये अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार कैसे रहें अधिकारी लोग, इसके लिए भी सुझाव देती है हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसके कार्य क्या है या इसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला इसका कार्य यह होता है कि राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली जो भी सामाजिक समस्या होती है, आर्थिक समस्या होती है, इस समस्या का समाधान कैसा होगा, इसके लिए भी राष्ट्रीय विकास परिषद विचार करती है। अब यहाँ पर जब हमारे देश के विकास की बात आती है, राष्ट्र के विकास की बात आती है, और इसमें जो भी सामाजिक समस्या होगी, सामाजिक समस्या का मतलब क्या है, समाज से संबंधित, सामाजिक समस्या का मतलब क्या है, तो समाज से संबंधित जो भी समस्या है, आ रहा समझ में? अब समाज से संबंधित कैसे समस्या, अब हो सकता है कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, कोई शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इसके बाद कोई राजनीतिक स्तर से पिछड़ा हुआ है, या फिर कोई तकनीकी स्तर पर पिछड़ा हुआ है, तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर उसका विकास कैसा होगा, इस पर हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद विचार करती है। इसके बाद में आर्थिक रूप से अगर कोई कमजोर है, ठीक है, आर्थिक समस्या मतलब कोई हमारे भारत में ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं, ठीक है, तो उन गरीब लोगों का विकास कैसा होगा, उस पर भी राष्ट्रीय विकास परिषद विचार विमर्श करती है। आ रहा समझ में? कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाए जिनसे इनकी गरीबी को दूर किया जा सके, इनकी आर्थिक समस्याओं को दूर किया जा सके, तो इन सभी समस्याओं पर विचार विमर्श करती है हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद, जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला काम इसका हो जाता है कि देश के विकास के लिए जो आर्थिक संसाधन होते हैं, तो आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था करना। किसी भी देश के विकास की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात आती है रुपये पैसे की। तो जहाँ पर भी आर्थिक शब्द आता है फ्रेंड, तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आर्थिक शब्द का मतलब ही होता है रुपए पैसे। जहाँ पर भी आर्थिक शब्द आया तो आप समझ जाना कि वहाँ पर रुपए पैसे या धन की बात की जा रही है। तो किसी भी देश के विकास के लिए रुपए पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे अगर हमारे भारत का विकास करना है, तो हमारे भारत का विकास करने के लिए आर्थिक साधनों की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आर्थिक साधनों की व्यवस्था कौन करेगी, तो इन आर्थिक साधनों की व्यवस्था हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद करेगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला कार्य इसका क्या है फ्रेंड, तो अगला कार्य इसका ये हो जाता है कि योजना के लक्ष्यों, विकास के दर, योजना के आकार और विकास व्यू रचना को अधिकृत रूप से मान्यता प्रदान करना। इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है, तो ये योजना के लक्ष्यों को तय करती है कि योजना को जब हम लागू करेंगे तो इसमें कौन कौन से टारगेट हमें रखना चाहिए, ये इसके लिए कार्य करती है। फिर इसके बाद में विकास के दर, तो विकास की दर को कैसे आगे बढ़ाएं हम लोग, विकास तेजी से कैसे हो, इसके लिए भी यह राष्ट्रीय विकास परिषद कार्य करती है। इसके बाद में जो योजना का आकार होगा, तो योजना के आकार और विकास का व्यू मतलब विकास की संरचना किस प्रकार से हो, विकास को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इसके लिए भी हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद इनको मान्यता देती है या इसके लिए कार्य करती है, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि हमारे भारत में जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना। तो जब तक हमारे देश में जनता सहयोग नहीं करेगी, तब तक कोई भी योजना या कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद ये कार्य करती है कि जनता का सहयोग जरूर लिया जाए। तो किसी भी योजना की सफलता के लिए हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद जनता का सहयोग अवश्य लेती है, क्योंकि जब तक जनता साथ नहीं देगी, जब तक हमारे भारत के लोग सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, तब तक कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला काम क्या है हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद का, कि योजनाओं के निर्माण के लिए मार्गदर्शक रेखाएं निर्धारित करना। तो योजना के निर्माण के लिए जो भी उचित सलाह होती है, वे सलाह हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद देती है, और इसके बाद में जब योजनाएं तैयार कर ली जाती है, तो उनको फिर स्वीकृति प्रदान करने का काम भी हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। ऐसे हमारे भारत में पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, और उन पंचवर्षीय योजनाओं को जब योजना आयोग तैयार कर लेता था, तो उसके बाद में अंतिम रूप से स्वीकृति देने का कार्य हमारी एनडीसी करती थी। ये आपको याद रखना होगा, एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से, तो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति कौन प्रदान करती थी और करती है, तो ये हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद करती है फ्रेंड।
आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतिम रूप से पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने का कार्य कौन करती थी, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद करती थी। फ्रेंड राष्ट्रीय विकास परिषद तो अभी भी है, लेकिन जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं 2017 से लेकर अभी तक नहीं बनाई है हमारी भारत सरकार ने, ठीक है। हमारी सरकार विकास कार्यों के माध्यम से, विकास योजनाओं के माध्यम से विकास कर रही है और पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाई है 2017 से 2022 तक, ठीक है। जो पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, 5 वर्ष के लिए जो योजनाएं बनाई जाती थी उसे कहते हैं पंचवर्षीय योजना, 5-ईयर प्लान, और इन 5-ईयर प्लान को, इन पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति देना, ये हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद ही कार्य करती थी। फ्रेंड ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला काम इसका क्या होगा, तो अगला कार्य इसका यह है कि समय समय पर योजना का और आर्थिक विकास से संबंधित जितने महत्वपूर्ण समस्याएं हैं इन पर विचार करना। हमारे भारत में चाहे आर्थिक समस्या हो या जो भी सामाजिक समस्या है या जो भी समस्या जो आर्थिक विकास में बाधा बनती है, तो इन समस्याओं पर विचार करना, ये हमारे राष्ट्रीय विकास परिषद का काम होता था। इसके अलावा और भी कौन कौन सी समस्याएं थी, तो जैसे हमारे भारत में जैसे भूमि सुधार, तो हमारे देश में हम देखते हैं कि ज़्यादातर किसान लोग ही रहते हैं, हमारे भारत में आज भी ज़्यादातर आबादी गांव में ही निवास करती है, और महात्मा गांधी तो कहते थे कि हमारा भारत गांव का देश है, और जब तक हमारे भारत में गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे भारत में भारत सरकार भी गाँव के विकास पर जोर दे रही है। तो गाँव का विकास कैसे हो, तो वहाँ की भूमि अच्छी हो, मतलब भूमि में सुधार हो, इसके बाद भूमि सिंचित हो, अर्थमत में किसानों को बिजली पर्याप्त मिले, तब जाकर गांव का विकास होगा। हमारा समझो पर्याप्त बिजली मिले, पर्याप्त सिंचाई के लिए जल मिले उन्हें, इसके बाद भूमि सुधार हो, तब जाकर गांव का विकास होगा, और गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है जो भूमि सुधार से संबंधित कोई समस्या है तो इसका समाधान करना है। फिर इसके बाद मूल्य नीति जैसे कोई समस्या है तो उसका समाधान करना है। खाद्य नीति जैसे अगर कोई समस्या है हमारे भारत में, जैसे खाद्यान्न संबंधी कोई समस्या है, तो उसको कैसे इस समस्या को समाप्त किया जाए, इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए, इसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद कार्य करती है। इसके बाद में अगर रोजगार संबंधी कोई समस्या है तो इस पर नीति बनाने का कार्य करना है। इसके बाद में सामुदायिक योजना संबंधित अगर कोई कार्य है तो ये कार्य भी हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। इसके बाद प्रचार सेवाएं और जो लोक उद्योग होते हैं, मतलब सरकारी उद्योग होते हैं, इनसे संबंधित अगर कोई समस्या है तो इन सारी समस्याओं पर विचार करना और इन समस्याओं का समाधान भी खोजना राष्ट्रीय विकास परिषद ही कार्य करती है। आगे समझ में? तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला कार्य क्या है, तो केंद्र और राज्य सरकारों को अपनी सिफारिशें भेजना, ठीक है। तो ये जो भी सिफारिश तैयार करेगी अपनी, ये सभी सिफारिशें केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को देना है। ये हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य होते हैं फ्रेंड, जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद में अब ये जो सिफारिशें देगी, तो ये सिफारिशें किसको देती है, या तो केंद्र सरकार को या फिर राज्य सरकार को, तो दोनों सरकारों को अपनी सिफारिश देती है, और इसकी सिफारिशों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तो केंद्र सरकार भी स्वीकार करती है इसकी सिफारिश को, और राज्य सरकार भी सिफारिश को स्वीकार करती है। क्यों? क्योंकि इसमें केंद्रीय मंत्री भी सदस्य होते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री भी सदस्य होते हैं। अब इनके द्वारा लिया गया निर्णय फिर कैसे फेल होगा, सब सोच समझकर, सब मिलकर, साथ में मिलकर ही तो डिसीजन लेते हैं। तो फिर इसलिए इनके निर्णयों को या इसके सिफारिशों को कभी अस्वीकार नहीं किया जाता। इस कारण से केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशों को स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद फिर यह परिषद राजनीतिक रूप से नीति आयोग से शक्तिशाली है, राजनीतिक रूप से देखा जाए तो, और व्यवहार में यह नीति निर्माण संस्था है, और इसकी सिफारिशें केवल परामर्शदात्री सुझाव नहीं है। आ रहा समझ में? तो परामर्शदात्री सुझाव क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो भी सिफारिशें करेगी तो हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों इसको मान लेती है। इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक सुझाव देने के काम नहीं करती, और इसने जो सुझाव दिए, जो सिफारिशें दी है, उनके सिफारिशों को मानना ही पड़ता है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें केंद्रीय मंत्री भी होते हैं, कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री भी सदस्य होते हैं। तो फिर अगर इसने कोई डिसीजन ले लिया है तो फिर उसको कैसे अस्वीकार किया जाएगा। इसलिए ये जो भी सिफारिशें करती है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ही इसको स्वीकार कर लेती है। अब इसके बाद में जो नीति आयोग होता है और हमारा जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इन दोनों में संबंध किस प्रकार का है, ठीक है। तो अब जो नीति आयोग है और राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका संबंध इस प्रकार से है कि जैसे नीति आयोग में जो अध्यक्ष होता है, तो वही अध्यक्ष हमारे
राष्ट्रीय विकास परिषद में भी होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री होंगे, तो वैसे राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष कौन है, हमारे प्रधानमंत्री होंगे। फिर इधर जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे, तो वही हमारे राष्ट्रीय विकास परिषद के भी उपाध्यक्ष होंगे। फिर उधर नीति आयोग में जो सदस्य होंगे, तो वही सदस्य हमारे राष्ट्रीय विकास परिषद में भी होंगे। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए और भी कुछ संबंध इनके दोनों के, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए इसमें कौन कौन से फैक्ट है वे, तो पहला फैक्ट इसमें हो जाता है कि देश का योजनाबद्ध विकास करने के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो नीति आयोग की स्थापना हमारे भारत में 1 जनवरी 2015 को की गई है। तो एक सिस्टमेटिक रूप से योजनाओं का विकास करने के लिए या हमारे देश का विकास करने के लिए योजनाएं जो बनाई जाती थी, तो योजना तो पहले ही बनाई जाती थी। इसका मतलब ये नहीं कि पहले योजना नहीं बनती थी, योजना तो बनाई जाती थी, पर एक सिस्टमेटिक ढंग से योजना कहाँ बनती थी, ठीक है? तो एक सिस्टमेटिक तरीके से योजना बने और हमारे देश का एक क्रमबद्ध रूप से विकास हो, इसलिए नीति आयोग की स्थापना हमारे भारत में की गई है। इसके बाद में अगला जाता है कि यह आयोग राष्ट्रीय योजनाओं का निर्माण करता है, मतलब जो नीति आयोग है। तो यह हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करता है और देश की प्राथमिकताओं के निर्णय के आधार पर योजनाओं के लक्ष्य को भी निर्धारित करता है। तो हमारे देश के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएँ हैं, ये टारगेट फिक्स करता है हमारा नीति आयोग, ये काम करता है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि योजना के प्रत्येक चरण के संचालन काल में समय समय पर उसकी प्रगति का मूल्यांकन भी करता है। तो हमारे भारत में जैसे योजनाएं शुरू की जाएगी देश के विकास के लिए, तो उन योजनाओं को अलग अलग चरणों में लागू किया जाता है और इन चरणों में कहां तक हमारी सरकार को किन किन स्थिति में सरकार को कितना इससे फायदा हो रहा है, या यूँ कहें कि इन योजनाओं की कहाँ तक प्रगति हुई है, इन योजनाओं में कहाँ तक हमारी सरकार को सफलता मिली है, इसका मूल्यांकन भी नीति आयोग करता है और ऐसे उपायों व नीति संबंधी संशोधन की भी सिफारिश हमारा नीति आयोग करता है। इसके बाद फिर अब आगे देखें, इसमें अगला जाता है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना सरकार ने क्यों की थी, तो आपको पता होगा, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हमारे भारत में योजना आयोग की स्थापना के बाद की गई थी। पहले योजना आयोग की स्थापना की गई थी, उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। और जो योजना आयोग था वह वर्तमान में हमारे भारत में नीति आयोग है, ठीक है? तो योजना आयोग द्वारा जो बनाई गई योजनाएँ थी, उन योजनाओं को प्रभावी बनाना और इसके लिए साधन और इसके बाद प्रयास करना, ये हमारे राष्ट्रीय विकास परिषद का काम होता था। तो जो उधर योजना आयोग से जुड़ा हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद, तो वही राष्ट्रीय विकास परिषद आज किससे जुड़ गया है, ये नीति आयोग से जुड़ गया है। आ रहा समझ में? तो जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, इन योजनाओं को प्रभावी बनाना, इसके लिए फिर प्रयास करना, ये भी हमारे राष्ट्रीय विकास परिषद काम कर रही है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। इसके बाद में देश का संतुलित विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके बाद में तो देश का संतुलित विकास करना और तेजी से तीव्रता से देश का विकास करना है, इसके लिए भी हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद काम कर रहा है। तो नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, इसलिए दोनों के संबंध बहुत ही गहरे हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद नीति आयोग की एक प्रमुख परामर्शदात्री संस्था है। आ रहा समझ में? और इस संस्था का प्रमुख कार्य योजना के संदर्भ में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा नीति आयोग के मध्य समन्वय स्थापित करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार पीछे तो हमने ये पढ़ा था कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है वह परामर्शदात्री संस्था नहीं है, और यहाँ पर परामर्शदात्री संस्था पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब नीति आयोग के संदर्भ में हम बात करेंगे, तो नीति आयोग के लिए परामर्शदात्री संस्था है, लेकिन अगर राष्ट्रीय विकास परिषद ने हमारी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को यदि कोई सिफारिशें दी है, आ रहा समझ में? अगर राष्ट्रीय विकास परिषद ने हमारी केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को किसी विषय से संबंधित, किसी मुद्दे से संबंधित कोई सिफारिशें यदि की है, तो फिर वह सिफारिश हमारी केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को मानना होता है। तो वहाँ पर फिर वह परामर्शदात्री के रूप में काम नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय विकास परिषद नीति आयोग के लिए एक परामर्शदात्री या एक परामर्श देने का कार्य करती है, एक सलाह देने का कार्य करती है राष्ट्रीय विकास परिषद किसको, नीति आयोग को।
ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ये कोऑर्डिनेशन, दोनों के बीच में समन्वय बनाए रखने के लिए भी राष्ट्रीय विकास परिषद काम करती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला संबंध क्या है नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का, तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद में सचिव होता है तो वह सचिव किसका होता है, तो जो नीति आयोग का सचिवालय में सचिव होता है वही राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो जो नीति आयोग का सचिवालय है तो नीति आयोग के सचिवालय में सचिव बैठेगा, और जो नीति आयोग का सचिव होगा तो वही हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होगा, और जो नीति आयोग के प्रशासनिक कार्य करेगा सचिव, वही प्रशासनिक कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद का यही सचिव करेगा। आ रहा समझ में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो सचिव है नीति आयोग का, ठीक है, तो यही सचिव किसका होगा, तो यह भी राष्ट्रीय विकास परिषद का ही सचिव होगा, अलग से कोई सचिव की व्यवस्था इसमें नहीं है, क्योंकि जो योजना आयोग में सचिव होता था वही योजना आयोग का सचिव हमारे राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता था फ्रेंड। तो इसी कारण से नीति आयोग का जो सचिव है वही राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रशासनिक कार्यों को भी पूरा करता है, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये राष्ट्रीय विकास परिषद का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना क्यों की गई, योजना आयोग का इससे क्या संबंध था, और वर्तमान में नीति आयोग से किस प्रकार से संबंधित है, ये मैंने आपको आज की क्लास में बताया फ्रेंड। एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई है, इसके बाद में हमारे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति कौन प्रदान करता था, ये सारे क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए हैं, और राष्ट्रीय विकास परिषद में सदस्य कौन कौन होते हैं, ये भी आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।